नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंजनी पुत्र हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो कि थोड़ी दूर पे स्थित है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अंजनी देव महादेव के, जो एक तरह से बोल सकते हैं स्वयं अंजनी देव ही शिव जी के ही रुद्र अवतार हैं। अभी पहले चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग जूते चप्पल उतारे थे अपने, उसको ले लेते हैं और फिर चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। सो अभी नाश्ता पानी किया, थोड़ा महंगा है यहाँ पे, 50 रुपये की चाट, ठीक है लेकिन है थोड़ा महंगा है। और तो चलते हैं यहाँ से और दर्शन करते लगे अंजनी पुत्र हनुमान जी के। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। अपने हाथ से भी थोड़ा 10 रुपये दे दो बेटे, आज भूल पाना काली माता ने खड़े दे दो मेरे काम, तुम्हारे कारोबार में दो लगे ना, चंडी माता ने कुछ करना तेरे मन के मन का लेने, जय माता नहीं बेटा ऐसे नहीं चला, जाओ बेटा खुश रख के माता रानी काली भवानी माता जय। शाम किया है बेटे, चलो। सो यहाँ से है रास्ता, सो यहाँ से रास्ता ऊपर जाने का। सो यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए मैं ही जा रहा हूँ और शायद ईशा जाएगी, बाकी लोग नहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी ऊंचाई है इसलिए। और तो चलिए चलते हैं और दर्शन कर के। इस मंदिर का नाम है श्री हनुमान जी की माता अंजनी देवी, जय माता दी। मंदिर का रास्ता अंजनी देवी की तपोभूमि, यहाँ पे माता अंजनी देवी जी ने तप किया था। जय हो प्रभु, जय हो। सो यहाँ पे है रास्ता, जय हो प्रभु, जय श्री राम। ऊंचाई देखिए कितनी है, जय हो प्रभु, जय। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। क्यों नहीं। सो गाइस लगभग पहुंच गए, जय हो प्रभु, वो ऊपर मंदिर। सो अभी यहाँ से घूम के जाना और ऊपर, जय हो प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सो आप लोग यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। अब चलते हैं ऊपर और दर्शन करते रहके हनुमान जी की माँ अंजनी देवी का, जिन्होंने यहाँ पे तप किया है। जय हो प्रभु। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माँ। से घूमने का यहाँ से घूम के जा सकते हैं, जय माता दी। जय माँ अंजनी, जय माँ अंजनी देवी, जय माता दी। पंडित जी, ये मंदिर लगभग रामायण काल का है। हाँ जी, यहाँ पे माता ने तपस्या की थी, आपने बताया जैसे कि किस चीज की तपस्या हुई थी। यहाँ पे माता जी ने 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष? हाँ जी, हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को पाने के लिए। हनुमान जी गर्व में आए थे यहाँ पे। जी जी, जय हनुमान जी। जी जी जी, तो शंकर जी के तप किया था, जब शंकर जी, जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था जी, तो उस टाइम जो शंकर जी का तेज उनके शरीर से निकल गया था,
उनको देख के। हाँ, विष्णु भगवान जी को ना मोहिनी का रूप धारण किया था उन्होंने, तो उस टाइम फिर उन्होंने बोला कि अब इस तेज को धारण कौन करेगा। इतना तेज था उसमें कि वो जहाँ गिरता वहीं नाश हो जाता सारा। तो उन्होंने बोला अब क्या किया जाए, तो माता जी तप यहाँ तप कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वही इसको धारण कर सकती हैं माता जी। तो फिर इनका गर्भ धारण कराया था, कान के रास्ते इनका गर्भ धारण हुआ माता जी। कान के रास्ते? हाँ जी, कान के रास्ते गर्भ तक पवन देव ने पहुंचाया। अच्छा, वायु पवन पुत्र बोलते। अच्छा, पवन देव सहायक थे ना जी जी, इसलिए पवन पुत्र बोलते। जय हो पवन जी। तो इनके केसरी जी 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 जी, जय जय जय। यहाँ पे लोग मनोकामना के लिए बांधते हैं चुन्नी। जय हो प्रभु, जय जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। यहाँ पे आप लोग फोटो भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे होते हैं बजरंगबली बाबा के दर्शन। यहाँ पे आपको बजरंगबली बाबा के दर्शन होते हैं। जय 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 बजरंगबली बाबा के। बाबा के दर्शन हो गए, अब यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। श्री भद्र काली एवं नागेश्वर महादेव के दर्शन करके अपनी यात्रा मंगलमय करें। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय। सो यहाँ पे आपको भोले बाबा के दर्शन होते हैं। जय हो भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। यहाँ पे माता काली के दर्शन होते हैं आपको। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय की परिक्रमा कर लेते हैं। जय माता रानी, 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 जय हो माँ। तो ये थे संपूर्ण दर्शन जो हनुमान जी की माँ का यहाँ पे इन्होंने तप किया था और उनको हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी वायु के माध्यम से। तो उनके दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे जा रहे हैं और उड़न खटोला में बैठेंगे और वापस से नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से शायद हम लोग शांति कुंज जाएंगे जहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे माँ गायत्री जी के शक्तिपीठ के। चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं वहाँ के भी। सभी नीचे उतरते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो। चलिए चलते हैं नीचे, सब लोग वेट कर रहे होंगे। और जहाँ से नज़ारा देखिए आप, बहुत ही ऊंचाई पे हम लोग, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे हम लोग। जय हो, वो है माँ चंडी देवी के दर्शन हुए थे हम लोग को भी। वहां से इतनी दूरी पे है हनुमान जी के दर्शन। चलिए चलते हैं। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। जय हो प्रभु, जय हो। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तो चलिए गाइस अब नीचे चलते, नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु।
हम लोग वापस से उड़न खटोला से नीचे जा रहे हैं। चलिए ये रास्ता दिखाते हैं आपको और फिर चलेंगे माता गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। ये पूरा कैलाश पर्वत बनाया गया चार धाम यात्रा, पूरी चार धाम यात्रा बनाई गई। चाचू आओ, हम इधर ही है। चाचू इधर ही है। शिशु चाचू इधर ही है। जय हो प्रभु। सब लोग जा रहे हैं। हमारा 36 नंबर, हम चार लोग, ये चार हो गए, अब चार इसमें जाएंगे, तो अब चार हम लोग इसमें जाएंगे पूरन खटोले में। ऊंचाई बहुत लगती है, डर तो बहुत लगता है इसमें बैठने में। बाबू को छोड़ दिया ले ओ किशु, ओ किशु बाबू को छोड़ दिया, बाबू छूट गया। जय माता दी। माता चंडी के दर्शन हो गए, अब चल रहे हैं यहाँ से। जय माता दी। सबको बहुत डर लग रहा है, ऊंचाई बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल डर नहीं लग रहा, ईशा डर नहीं लग रहा ना, चेहरे से आप पहचान सकते हैं। छुपाएंगे यार, किशु को तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किशु को हंस दिखा दो। अरे ओहो, बहुआ की आड़ में खुद बचा जा रहा है, हम समझ रहे हैं। ये देखिए भगवान का दर कितना ही खूबसूरत है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय हो प्रभु। पहुंच गए हम लोग नीचे। जय हो।